का। तनु, तुम इस वक्त यहां पे? कमाल करती हो तनु, शादी हुई है तुम्हारी अभी के साथ और आज तुम्हारी सुहागरात है ना, तुम्हें अभी के साथ होना चाहिए और तुम यहां। मेरी याद आ रही होगी, है ना? जानता हूं तुम यहां मेरे लिए नहीं बल्कि प्रज्ञा के लिए आई हो। उसे बताने आई होगी कि तुम कैसे जीती और उसकी हार वाली शक्ल देखने आई हो। एक काम करते हैं, तुम उसे अपनी शादी के किस्से सुना के उसका खून और जलाना। मैं तो कहता हूं एकदम करेक्ट टाइम पे आई हो क्योंकि मैं निकल ही रहा था। साथ में चलते हैं, दोनों खून जलाएंगे उसका। नाम मत लो उसका। ठीक है यार, नाम नहीं लेता, उसके ट्रेडमार्क से बुला लेता हूँ। चश्मिश के पास चलते, चलो। निखिल प्लीज मजाक बंद करो, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखनी और अगर वो मेरे सामने आई ना तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। हद करती हो तनु, शादी से पहले भी तुम्हारा इतना गुस्सा था, शादी के बाद भी। आई थिंक तुम्हें प्रज्ञा को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी और अभी की शादी हुई है। शादी नहीं हुई है मेरी। और नहीं, वो प्रज्ञा कभी होनी थी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे तो बाहर फोन पे किससे बात कर रहा था और वो भी अकेला? मां शादी में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बटा ली? गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। मेरे भाई तूने ये शौक कब से पाल लिया? भाई आप हंस रहे हो, यहाँ बहुत सीरियस बात हो गई, वहां शादी में बहुत गड़बड़ हो गई। ये लोग किस शादी के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं इनकी और तनु की तो नहीं? मतलब उस शादी में कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ होगी भाई, वहां चुप, यहां पे नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। और ये सब तो बाहर चलेगा, पता कैसे चलेगा? हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा था? भाई बकवास नहीं, एकदम सही न्यूज़ दे रहा हूँ। वो रॉक स्टार की शादी अब होगी कि नहीं? शादी नहीं होगी? हाँ भाई हाँ। अरे मतलब अब नहीं होगी, 2 घंटे के बाद होगी, 3 घंटे के बाद होगी, कल होगी, परसों होगी या फिर होगी नहीं? अरे भाई अब नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन तुझे ये न्यूज कहाँ से मिली? भाई जब हम लोग वहां पर थे ना तो मैंने वहां पर एक वेटर पटा लिया था अंदर की न्यूज लेने के लिए, और मैंने उसका नंबर भी ले लिया था। अभी उसी का फोन आया था, बोल रहा था कि जैसे ही तुम लोग सही टाइम पे निकल गए ना, उसी वक्त वहां मचमच चालू हो गई और शादी रुक गई। उसे तो खाना भी नहीं मिला और बोल रहा था मुझे तो मेरे पगार की चिंता है, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मतलब इनकी और तनु की शादी नहीं हुई, पर ये कैसे हो सकता? निखिल ने तो मुझे फोन पे मंत्र सुनाए, फिर अचानक ये कैसे? पर ये लोग मुझसे छुपकर झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, ये सच्ची खबर है। बाकी इनकी शादी नहीं हुई, ये अब भी मेरे पति, मेरा सुहाग अभी मेरे पास ही है, मेरा कुमकुम अभी भी मेरे मांग में, वो मुझसे अलग नहीं हुए। पर शादी रुकी कैसे, किसने रोकी? कहीं इन्होंने तो नहीं रोक दी? इन्होंने मेरे लिए क्या होगा ये सब? हाँ हो सकता है, पहले से ही परेशान थे, इसका मतलब ये कि अब मुझसे शादी करेंगे, हम फिर से एक हो जाएंगे, ये मुझे लेने आएंगे। पर कैसे, इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं हूं कहां, वो कैसे ढूंढेंगे मुझे? और अगर मैं यहां से नहीं निकली तो वो तनु उनसे फिर कुछ ऐसा कह देगी कि वो फिर से उससे शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके यहां से निकलना होगा, मुझे यहां से भागने का रास्ता निकालना होगा। पर कैसे? अब मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना और समझना। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह के गए हैं कि गुस्सा दिमाग को खाता है। तुमने जो कुछ भी बाहर कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम गुस्से में हो, और गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि जो भी प्रज्ञा ने किया है वो बहुत गलत किया है। तुम्हारी शादी में टांग अड़ा के बैठी है, अपनी तो कर नहीं पाई, तुम्हारी भी रुकवा दी, मगर इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम उसकी जान ले लो यार। बदला लेना है मगर इस तरीके से नहीं। और मान लो चलो हमने जान ले भी ली, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी जान लेने के बाद अभी तुमसे शादी कर लेगा?
उदास होके वो बल्कि देवदास बन जाएगा। तनु, मैं जानता हूं कि हमने इससे पहले कई बार प्रज्ञा को मारने की कोशिश करी, लेकिन ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि हर बार वो बच जाती है जैसे ब्रह्मा का वरदान लेके आई, पर हम फंस जाते हैं। इसीलिए इस बार भी समझा रहा हूं कि तुम्हारी शादी टूटना पहले ही कम मुसीबत की बात नहीं है, जो तुम ये दूसरी मुसीबत अपने सर ले रही हो। तनु, मैं जानता हूं कि हमें ये बदला लेना है, मगर जान लेकर नहीं। हम दोनों ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि बदला कैसे लेना है। We'll find a solution because जान लेना है, it's not that easy। तो मेरी बात समझ रही हो? क्या कर रही हो तनु? मेरे पे पानी फेंक के क्या? तो क्या करती है? अर्चना करती, फूल फेंकती, आरती उतारती तुम्हारी। कौन सा महान काम किया तुमने? हेलो, मैंने अपना काम खत्म कर दिया था, और वहां जाके सरला आंटी ने सच बोल दिया, मेरा क्या कसूर है? क्या खराब काम किया तुमने? हाँ, मेरी शादी प्रॉपर तरीके से करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और तुमने क्या किया? प्रज्ञा को अभी से दूर रखा, हमेशा के लिए दूर नहीं रखा तुमने। चलो ठीक है दीदी, तुम सिर्फ बातें करने के माहिर हो, लेकिन काम हमेशा अधूरे छोड़ते हो। मैंने मेरा काम अधूरा छोड़ा? ओके, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब मैंने उसे किडनैप किया था, उसी वक्त मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। अगर उसे जान से मार भी देता तो भी तुम्हारी शादी रुकती? नहीं रुकेगी। अब सरला, ज्यादा चिंता मत कर, वाहेगुरु ना सब अच्छा करेंगे, तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। तो दर्द कम हुआ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, एक बार बस प्रज्ञा वापस आ जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं समझ सकती, मुझे भी प्रज्ञा की बहुत फिक्र है। ओ बहन जी, अगर आप भी ऐसी बात करोगे तो इसकी टेंशन कैसे कम होगी? मैं तो उसको समझा के थक गई। अरे भाई, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होता है ना, पर ये सुनती ही नहीं है। अब देखिए, वो हीरो है, वो उसको बचाने के लिए गया, और उसका 100% रिकॉर्ड है कि आज तक वो जब भी प्रज्ञा को बचाने गया, हमेशा बचा के लाया। और सबसे अच्छी बात क्या है बीजी, तनु और अभी की शादी नहीं हुई। हो सकता जब अभी प्रज्ञा को बचा के लाए और प्रज्ञा उसे अपने दिल की बात कह दे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती, फिर तो मजा आ जाएगा बीजी। मंडप भी तैयार है, पंडित भी है, हम सब भी है, फिर तो ढोल ताशे बजा के हम तो प्रज्ञा अभी की शादी कर देंगे। पता नहीं कितनी आजमाइश करेगा भगवान मेरी बेटी की, इस बार दोनों आए तो हमेशा के लिए एक हो जाए और हमेशा खुश रहे बस। पर इससे पहले मुझे एक काम करना है। आलिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस काम में तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो सीधा सवाल करूंगा और उसका सीधा सीधा जवाब देना। प्रज्ञा दी को कहां छुपा के रखा है? मेरा इन्वॉल्वमेंट, प्रज्ञा को मैंने किडनैप करा। तुम क्या कहना चाहते हो कि प्रज्ञा को मैंने किडनैप करवा के उसकी माँ को यहां पर भेजा था शादी रुकवाने के लिए? अरे जो प्लान मैं इतने महीनों से, इतने सालों से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मैंने खुद चाहकर उसे रुकवाया है। मैं नहीं जानती प्रज्ञा कहाँ है, मैंने उसे किडनैप ही नहीं करवाया। मुझे नहीं पता है कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लगवा लिया, आज मैं अपने आप ही में नहीं हूँ। बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम इतने सालों से प्रज्ञा दी के साथ करती आई। पूरा मेरा गला छोड़ो। मुझे पता था तुम सीधी तरह जवाब नहीं दोगे, तो आज या तो तुम्हारे मुंह से जवाब निकलेगा या तुम्हारा दम। बताओ कहाँ छुपा के रखा है प्रज्ञा दी को? मुझे नहीं पता है कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी, छोड़ो। देखो आलिया, चुपचाप बता दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पूरा मेरा दम घुट रहा है। अच्छा है, कम से कम तुम्हें एहसास तो होगा कि इतने महीनों प्रज्ञा दी किस हाल में रही है। बताओ कहाँ है प्रज्ञा दी? दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने वाले को जीने का कोई हक नहीं। अब मर तू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।